दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप
कभी भी सिनेमा घरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिले थे सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमा घरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिले थे सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमा घरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिले थे सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमा घरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिले थे सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम,
मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और
संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का
इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है।
इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे,
समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी थी।
कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है।
इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे।
दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दोन एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दोन एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दोन एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है।
इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव,
शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर
और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का
इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के ज़रिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के ज़रिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के ज़रिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है।
इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे।
समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी
कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है।
इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथी सुदेश मांजरेकर होंगे।
दे दक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का दो ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का दो ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे। समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का दो ने एक भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप
कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे दक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे दक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे दक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे दक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम,
मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राघव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और
संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का
इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप YouTube के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का 2 एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का 2 नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ जाधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है।
इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे, समीक्षकाओं ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का दो ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे। दे धक्का टू एक भारतीय मराठी भाषी की मूवी है। इसे दे धक्का दोन नामक से जाना जा रहा है। इसे अब आप कभी भी सिनेमाघरों में जाकर देख सकेंगे। इसमें हमें मुख्य भूमिकाओं में अभिनय करते हुए मिलते हैं सिद्धार्थ राधव, शिवाजी सतम, मकरंद अनासपुरे, मेघा मांजरेकर, गौरी इंगाले, भारती आचरेकर और संजय कापरे, सक्षम कुलकर्णी जैसे कई सारे लोगों ने इसमें काम किया हुआ नजर आता है। दे धक्का इसका फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है और इस ट्रेलर को भी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी समीक्षाएं प्राप्त हुई है। इसे ट्रेलर को आप यूट्यूब के जरिए भी आप कभी भी देख सकेंगे। इसे रिव्यू भी अच्छे मिले थे,
समीक्षकों ने इसे 10 में से 9 सितारों की अच्छी रेटिंग दी थी, जबकि इसे टाइम्स ऑफ इंडिया नामक की कंपनी ने भी कमाल की रेटिंग दी है। दे धक्का 2 ने भारत की 2022 में रिलीज होने वाली ड्रामा और कॉमेडी भाषा की मूवी है। इसके निर्देशक महेश मांजरेकर और साथ ही सुदेश मांजरेकर होंगे।